Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. Hey guys, Dr. Devendra Rathod here. Welcome to Modern Health and Nutrition. और आज हम बात करते हैं हाइड्रोसील के बारे में. हाइड्रोसील क्या होता है, कहाँ पर और कब डायग्नोस होता है, ठीक है, उसके कारण आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, साथ ही हम उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन और उसका ट्रीटमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ सर्जरी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़, हाइड्रोसील इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन, ठीक है. अगर हम देखें तो न्यू बॉर्न बेबीज़ में नियर अबाउट 10% ऑफ बेबीज़ जो होते हैं हाइड्रोसील के साथ उनका बर्थ होता है, ठीक है. तो जनरली अगर देखा जाए तो ये कंजेनाइटल प्रॉब्लम में कहलाती है, ठीक है. और ये कई बार है ना एसिम्टोमेटिक होती है और कई बार डॉक्टर्स इसे ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है. होम्योपैथिक मेडिसिंस के द्वारा हम इसको ट्रीट करते हैं और जनरली विदाउट एनी काइंड ऑफ सर्जरी इससे रिलीफ भी मिल जाता है. ये तो हो गए न्यू बॉर्न बेबीज़ में. और हो सकता है आपको 40 प्लस और 40 के एज में भी आपको एडल्ट मेन में भी ये वाली कंडीशन देखने को मिले, ठीक है. उस टाइम पर क्या कंडीशन होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये भी डिपेंड करते हैं आपकी हाइड्रोसील की कितनी इंटेंसिटी से आपको हुआ है, क्या कारण है. कई बार स्क्रोटम का साइज़ जो होता है जनरली इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और कई बार हमने बहुत बड़े बड़े स्क्रोटम्स में स्क्रोटम्स देखने को मिलते हैं हाइड्रोसील में स्पेसिफिकली. तो अकॉर्डिंग टू द डिसीज इंटेंसिटी हम उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं. हर ट्रीटमेंट को उसके अकॉर्डिंगली, डिग्री के अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहली कंडीशन आती है अगर हम हाइड्रोसील देखें तो ये देखिए, ये मैं आपको स्क्रोटम के बारे में बता रहा हूँ. जो पहली इमेज में आपको दिख रहा है वो एक हेल्दी स्क्रोटम है, और अगर आप इसे देखेंगे ध्यान से क्लोजली तो यहाँ पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्शन हमें नहीं दिख रहा है. दूसरी तरफ जो इमेज मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेस्टिस है उसका साइज़ बढ़ गया है, स्क्रोटम का साइज़ बढ़ गया है, एपिडिडाइमस है, हल्की सी स्वेलिंग रहती है, यहाँ पर टेस्टिस आपका दब गया है. यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक तरह से फ्लूइड या वाटर कलेक्शन जो हम बोलते हैं जनरल शब्दों में वो हो गया है, जिसकी वजह से हाइड्रोसील डेवलप हुआ है. नेक्स्ट इमेज है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ये नॉर्मल स्क्रोटम है, ये नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील है. इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो कम्युनिकेशन है एब्डोमिनल वॉल से बिल्कुल भी नहीं है, और कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील है, इसका कनेक्शन एब्डोमिनल वॉल से जिसमें बोलते हैं फ्लूइड सैक बना हुआ है, ठीक है. ये दो तरह के हाइड्रोसील रहते हैं, दो टाइप के हाइड्रोसील रहते हैं, ठीक है. इनके मेन सिम्टम्स और ये आगे के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ. अब हम इसके कॉजेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कॉज क्या होता है इसका. कि जनरली देखा जाता है स्पेशली मेल चाइल्ड जो रहते हैं एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जो उनके टेस्टिस रहते हैं, होल्ड रहते हैं, डिसेंट रहते हैं, और जो सैक बना होता है वो उसमें फ्लूइड कलेक्ट होता है, ठीक है. ऑटोमेटिकली वो फ्लूइड और जो टेस्ट स्क्रोटम कहते हैं जिसे, वो सैक स्क्रोटम में टेस्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर द बर्थ, ठीक है. लेकिन समटाइम्स उसके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नहीं होता है, और इन दैट कंडीशन हाइड्रोसील वाले बच्चों का बर्थ होता है, ठीक है. और स्पेशली अगर एडल्ट में देखें तो कॉज कई बार अननोन रहता है या फिर इंजरी के कारण होता है. और अगर इसके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो सिम्टम्स बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी पेनफुल का पेन रहता है, काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है, डिसेंट टेस्टिस रहता है, अगर देखें तो स्वेलिंग दिखती है. और अगर हम बात करें उसके बारे में कि स्पेसिफिकली अगर उसके कारण एडल्ट मेन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इनफर्टिलिटी भी एक कॉम्प्लिकेशन देखी गई है. टाइप्स ऑफ हाइड्रोसील, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग होता है. कम्युनिकेटिंग में क्या रहता है, सेक जो रहता है क्लोज नहीं होता है, और नॉन कम्युनिकेटिंग में सेक क्लोज हो चुका होता है. अब अगर आपके पास कोई पेशेंट लेकर आता है हाइड्रोसील का, तो नॉर्मल टेस्टिकल का जो साइज़ होता है, टेस्टिस का साइज़ होता है, उस साइज़ से उसका साइज़ बड़ा हुआ होता है, स्वेलिंग दिखती है, दबाने पर पेन दिखता है, हल्का फुल्का रेड अगर वहाँ पर इन्फ्लामेशन है या फिर इन्फेक्शन है तो रेडनेस दिखती है, ठीक है. तो उस कारण उससे हम उसको डायग्नोस करते हैं. इसका नेक्स्ट अगर हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर देखते हैं तो यूएसजी ऑफ स्क्रोटम, ठीक है, जनरली वेरिकोसील जैसा ही होता है. वेरिकोसील में भी हम यूएसजी ऑफ स्क्रोटम करवाते हैं और हाइड्रोसील में भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि कितना फ्लूइड वहाँ पर जमा है और कितना फ्लूइड को हम उसको निकालना है, ठीक है. अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसका क्या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है या फिर नॉन सर्जिकल इसका ट्रीटमेंट हो सकता है. तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन
ऑन सिम्टम सीवियरिटी। आप अगर नॉन सर्जिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और आप उनको कंडीशन के बारे में बताएं। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बहुत सारी मेडिसिन होती है, रोडोडेंड्रॉन, क्लेमेटिस, पल्सेटिला, कॉनियम, आर्निका, ठीक है, और नक्स वोमिका, ठीक है, कई तरह की मेडिसिन होती है। तो पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह से जैसे इंजरी के कारण हुआ तो आर्निका देते हैं, फिर है ना एब्रोटेनम देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट होती है आपके हाइड्रोसिल के लिए, ठीक है। तो जनरली अगर आपको हाइड्रोसिल जैसी कंडीशन है, अगर आपको डाउट हो रहा है उस वाली कंडीशन के लिए, तो आप ज़रूर सबसे पहली चीज़ है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। अगर होम्योपैथिक डॉक्टर है अगर आपके पास तो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको आपकी रिपोर्ट्स के साथ आप व्हाट्सएप करिए, हम हमारे डॉक्टर्स आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन आपको जो भी ट्रीटमेंट रहता है वो प्रेस्क्राइब कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रीटमेंट पॉसिबल होते हैं। अब इसके एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉम, अगर मान के चलो कि अगर आपका हाइड्रोसिल एकदम से बढ़ गया, कई बार पेशेंट हमारे पास इस कंडीशन में आते हैं कि उनको बहुत तेज फीवर होता है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में आते हैं कि अगर वो हाइड्रोसिल तुरंत ट्रीट नहीं किया गया तो वो फिर उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इन दैट कंडीशन सर्जरी और एस्पायरेशन, नीडल एस्पायरेशन ज़रूरी होता है, ठीक है। नीडल डाल के जो भी फ्लूड रहता है, एक्स्ट्रा फ्लूड को निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये था व्यू हमारा हाइड्रोसिल के बारे में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी तरह की क्वेरी हो हाइड्रोसिल से रिलेटेड, या आपको सस्पेक्ट लग रहा हो कि आपको हाइड्रोसिल है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या क्वेरी सेक्शन में आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।